राजकीय महाविद्यालय की YouTube पर क्लास बीकॉम पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों का आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा आज का विषय है विपणन समीकरण के घटक अथवा तत्व। ये मार्केटिंग मैनेजमेंट का पेपर है। इस मार्केटिंग मैनेजमेंट के पेपर में विपणन समीकरण के घटक और तत्व हैं, अर्थात पूर्व में हम विपणन समीकरण पढ़ के गए हैं। इसके आगे बढ़ते हम इसके विपणन समीकरण के घटक अर्थात इस विपणन समीकरण को मार्केटिंग मिक्स को कौन से ऐसे घटक हैं जो प्रभावित करते हैं। इन विपणन घटकों का इन समीकरण के घटकों का अनेक विद्वानों ने विशेषज्ञों ने अपने अपने विचार के अनुसार अपने अपने सोच के अनुसार अनेक तरीकों से इसको परिभाषित किया है, अनेक तरीकों से इसको बताने का समझाने का प्रयास किया। इसमें मैकार्थी ने जो इसके संबंध में पहले व्यक्ति कहे जा सकते हैं जिन्होंने विपणन समीकरण के घटकों को बताया और उन घटकों को उन्होंने अंग्रेजी के प्रथम अक्षर पी शब्द का उपयोग करते हुए ये चार प्रमुख चल घटक तत्व बताए जिनको 4 P's भी बोल सकते हैं। 4 P अर्थात पहला P उन्होंने बताया प्रोडक्ट, दूसरा P बताया प्लेस, तीसरा P बताया प्राइस और चौथा P प्रमोशन। तो मार्केटिंग मिक्स के लिए 4 P उन्होंने बताए हैं, इनको हम विस्तार से देखेंगे तो मार्केटिंग मिक्स ज़्यादा इसमें समझ में आएगा। उत्पाद पहला प्रोडक्ट है उत्पाद, अर्थात मार्केटिंग मिक्स को समझने के लिए सबसे पहले ग्राहकों की आवश्यकता और संतुष्टि के आधार पर उत्पाद तैयार करना। ऐसा नहीं हो कि उत्पाद तो तैयार कर लिया गया और ग्राहकों की आवश्यकता और रुचि क्या है इसका पता ही नहीं किया, वो ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में सेल नहीं हो पाएगा, मार्केट में बिक्री नहीं हो पाएगा और अंततः संस्था को नुकसान होगा। इसलिए सबसे पहले ग्राहकों की रुचि किस चीज़ में, उनकी आवश्यकता क्या है, इन बातों को ध्यान में रखते हुए उत्पाद को तैयार किया जाए। उसके बाद में प्लेस स्थान अर्थात मार्केट कि उस जो प्रोडक्ट तैयार किया गया है उस ग्राहकों की रुचि देखते हुए तो जो ग्राहक जिनके लिए उत्पाद तैयार किया गया वो ग्राहक वो उपभोक्ता वो उपयोगकर्ता कौन से ऐसे स्थान पर मिलेंगे अर्थात कौन से मार्केट में मिलेंगे, कौन सी जगह में मिलेंगे, उस जगह का स्थान का पता करना जिसको मार्केट तलाश करना कहा जाता है। उसके बाद में बात बताई गई महत्वपूर्ण प्राइस अर्थात उसका मूल्य निर्धारण किस प्रकार से किया जाए। कहीं वस्तु का मूल्य अधिक निर्धारित कर दिया गया, ग्राहक की जेब अलाउ नहीं करेगी, ग्राहक नहीं खरीद पाएगा तो भी हमारा प्रोडक्ट खराब हो गया। तो सोच समझ करके जितनी उत्पाद की उपयोगिता है, ग्राहक की जितनी मांग है, ग्राहक की जो पेइंग कैपेसिटी है वो कितनी है, उन सभी बातों को देखते हुए उसका मूल्य निर्धारण किया जाएगा। और अंत में चौथा P बताया गया प्रमोशन अर्थात विक्रय, उत्पाद तैयार कर लिया, मार्केट में विक्रय कर दिया, एक रूटीन हो गया। लेकिन ऐसा ही नहीं है कि वो जो प्रोडक्शन तैयार किया और मार्केट में बिकता गया, इस विक्रय में वृद्धि की भी आवश्यकता है अर्थात धीरे धीरे महंगाई बढ़ती जाती है, संस्था में भी कर्मचारी अधिकारी ये बढ़ते रहते हैं, संस्था के स्थायी और अस्थायी खर्चे भी बढ़ते रहते हैं। जब तक विक्रय में वृद्धि नहीं की जाएगी तब तक संस्था को पर्याप्त एक उचित लाभ कमा करके दिया जाना असंभव होगा, इसलिए इसके विक्रय में वृद्धि होगी। तो इन चारों तत्वों घटकों को ये तत्वों को विभाग मार्केट में समीकरण के घटक प्रमुख रूप से माना गया है। इनके संबंध में एल्बर्ट W है, इन्होंने इन घटकों अथवा चलों को 2 श्रेणियों में बांटा गया। प्रथम श्रेणी में उन चलों को है सम्मिलित किया गया जो बाजार में प्रस्तुत किए जाने वाले उत्पाद से संबंध रखते हैं, इनमें उत्पाद, पैकेज, ब्रांड, मूल्य एवं सेवा आदि शामिल हैं। और दूसरी श्रेणी में उन चलों को सम्मिलित किया है जो विधियों एवं उपकरणों के संबंध में रखते हैं, इनमें वितरण माध्यम, वैकल्पिक विक्रय, विज्ञापन, विक्रय संवर्धन एवं प्रचार आदि सम्मिलित हैं। लेजर और केलिने भी विपणन समीकरण के तत्वों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया है, उत्पाद एवं सेवा समीकरण, वितरण समीकरण एवं संप्रेषण समीकरण। तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि विपणन समीकरण में निम्नलिखित घटक अथवा तत्व हैं जिन्हें इस तालिका के द्वारा और ज़्यादा अधिक स्पष्ट किया जा सकता है। चारों तत्व दिए गए हैं उत्पाद, मूल्य, स्थान और संवर्धन। अब उत्पाद किन बातों से कैसे प्रभावित होगा, किन बातों का उत्पाद तैयार करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि ग्राहकों की रुचि और मांग के अनुसार उत्पाद तैयार किया जाए और उत्पाद की क्वालिटी है उसका जो स्तर है वो भी अच्छा हो,
इसके लिए पहले हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी, इसको उत्पाद नियोजन कहेंगे, उसकी क्वालिटी का भी खाका तैयार करना पड़ेगा, रंग रूप कैसा हो, दिखने में आकर्षक होना चाहिए, दिखने में उत्पाद है उछल दिखना चाहिए, घटिया दिखेगा ग्राहक नहीं खरीदेंगे, उसकी शैली की स्टाइल क्या होगी, उसका ब्रांड का नाम क्या होगा, ब्रांड नाम भी एक अच्छा आकर्षक नाम होगा तो ग्राहक ज़्यादा खरीदने के लिए आकर्षित होगा, आश्वासन भी दिया जाएगा कि खराब होगा तो आपको इसको ठीक करके दिया जाएगा, पैकेजिंग उसकी अर्थात पैकेजिंग एक आकर्षक पैकेजिंग होनी चाहिए, सेवा स्तर कितना लंबा चलेगा, कितना वो टिकाऊ है, इस चीज़ पे भी ध्यान दिया जाएगा, प्रमाणीकरण और श्रेणी भी होगा, गारंटी भी दी जाएगी, ख़राब हो गया तो बदल के दिया जाएगा, उसका आकार भी एक बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, और विक्रय के पश्चात भी समय उस उत्पाद के संबंध में ग्राहकों को दी जाएगी, इन बातों का ध्यान रख करके उत्पाद तैयार किया जाएगा। इसी प्रकार से उसका मूल्य निर्धारण करते समय भी बहुत सी बातों का ध्यान रखा जाएगा कि उसका कीमत जो निर्धारित की जाती है उसका उद्देश्य क्या है, अर्थात ग्राहक की सेवा उद्देश्य होगा, संस्था के लिए लाभ कमाने का उद्देश्य होगा, इन बातों का ध्यान रखते हुए उसका मूल्य निर्धारण किया जाएगा। छूट एवं बट्टा, ग्राहक बहुत बार ऐसे पूछता है इसमें छूट क्या है, छूट कितनी है, या छूट का सीजन क्या है, इसमें कितनी आप हमें छूट देंगे, ग्राहक जैसे आजकल मार्केट में चल रहा है एक के साथ एक फ्री या दो के साथ एक फ्री या 50% 40% छूट है, इससे ग्राहक ज़्यादा आकर्षित होता है, तो ये चीज़ भी इसमें ध्यान रखी जाएंगी। पेमेंट की शर्तें क्या हैं, मूल्य जो निर्धारण किया गया है उसकी नीतियाँ, किन नीतियों के आधार पर मूल्य निर्धारण किया गया है, मूल्य के निर्धारण के लिए कोई रीति नीति क्या है, मूल्य उदाहरण क्या है, भत्ते उधार उधार की अवधि और शर्तें, अगर उधार में माल दिया जाएगा लाभदायकता और मध्यस्थता और साथ में प्रतिस्पर्धा भी ध्यान रखा जाएगा। इसी तरह से फिर ग्राहक कीमत निर्धारण करने के बाद में ग्राहक की सर्च की जाएगी, ग्राहक ढूंढा जाएगा अर्थात मार्केट की तलाश की जाएगी, जिसको हम स्थान प्लेस के नाम से इसका जो घटक है उसको इसे जानते हैं, जिसमें जो स्थान निर्धारण के लिए यानी ग्राहक के सर्च के लिए ग्राहक को ढूंढने के लिए वितरण माध्यम हैं, कौन से ऐसे वितरण माध्यम हैं जिनके द्वारा माल जो उत्पादन के बाद में ग्राहक तक पहुँचाया जाएगा, वितरण का क्षेत्र कौन सा है, वितरण स्थानीयकरण है या विक्रय प्रदेश है, सामरी तालिका है, स्तर एवं स्थानीयकरण है, यातायात एवं वाहक हैं, कौन से ऐसे यातायात साधन से माल पहुँचाया जाएगा जिससे ज़्यादा खर्चा ना पड़े, इसकी पॉलिसीज क्या है, वितरण की नीतियाँ क्या है, भौतिक वितरण प्रबंध है, भंडारण और पैकेजिंग का भी इसमें ध्यान रखा जाएगा स्थान के लिए, क्योंकि मार्केट में माल भेज दिया और माल सेल हो गया ऐसा नहीं होगा, वहाँ माल को एक बार रोकना भी पड़ेगा, रखना भी पड़ेगा स्टॉक में। और चौथी बात, इसमें विक्रय संवर्धन के लिए अर्थात विक्रय में वृद्धि हो, संस्था का अस्तित्व बनाए रखने के लिए इसके लिए भी प्रयास किए जाएंगे, जो विक्रय वृद्धि हमारी कैसी हो, इसमें व्यक्तिगत विक्रय भी ध्यान किया जाएगा, प्रचार भी किया जाएगा, जो उत्पादन तैयार किया गया विज्ञापन के उसमें संबंध भी दिए जाएंगे, विक्रय वृद्धि के लिए प्रयास करेंगे, जनसंपर्क भी करेंगे, एजेंटों के द्वारा संपर्क करेंगे, ग्राहकों को जो फ्री सैंपल होते हैं वो देने का प्रयास किया जाएंगे जिससे जनसंपर्क होगा, प्रत्यक्ष और जो विक्रय वो भी करने का प्रयास किया जाएगा, टेली विपणन है, इंटरनेट आजकल बहुत चलन में, इसके माध्यम से भी इसका प्रचार प्रसार किया जाएगा, और वही लास्ट में ब्रांडिंग और पैकेजिंग, इनका ध्यान रख करके विक्रय संवर्धन का प्रयास किया जाएगा। तो इन चारों जो घटक हैं, जो तत्व हैं मार्केटिंग मिक्स के, इन पर बल दिया जाएगा जिससे जो उत्पाद तैयार किया गया वो मार्केट में आसानी से बिक सकेगा। तो इसको उत्पाद जो तालिका है चार घटक, इनका जो तत्व है इनको थोड़ा सा हम विस्तार से देख लेते हैं, जिसके लिए पहले उत्पाद है उत्पाद मिश्रण। अधिकांश विपणन विशेषज्ञों ने विपणन समेषण के घटकों या तत्वों में उत्पाद या उत्पाद समेषण को प्रथम घटक बताया। उत्पाद का सामान्य अर्थ उपभोक्ताओं द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तु से, किंतु विपणन की दृष्टि से उत्पाद भौतिक गुणों से युक्त कोई भी वस्तु है जो उपभोक्ताओं के विभिन्न लाभ उपयोगिता एवं संतुष्टि उपलब्ध कराती है। विपणन क्रियाएं उत्पाद के विचार से प्रारंभ होती हैं और बाजार लक्ष्य के प्राप्त करने के साथ समाप्त होती हैं, इसलिए ग्राहकों को अधिकतम संतुष्टि प्रदान करने एवं अधिकतम बिक्री करने के लिए उत्पाद नियोजन एक महत्वपूर्ण उपकरण है, अन्यथा उत्पाद का उत्पादन हो जाने पर भी उपभोक्ताओं द्वारा उस उत्पाद को नहीं खरीदा जाए अथवा विक्रय लक्ष्य अधूरा रह जाए एवं पर्याप्त मात्रा में बिक्री न हो, अतः एक विपणन प्रबंधक उत्पाद नियोजन में अनेक घटकों का सम्मिश्रण करता है, जैसे उत्पाद की किस्म, रंग रूप, शैली, ब्रांड नेम, आश्वासन, पैकेजिंग, सेवा स्तर, प्रमाणीकरण, श्रेणियां, गारंटी, आकार, डिजाइन, उत्पाद का नाम, उत्पाद का प्रयोग, उत्पाद का स्वाद, उत्पाद की निष्पादन क्षमता, उत्पाद की ख्याति एवं उत्पाद के लिए विक्रय प्रसाद के आदि की सेवाएँ, जो हम पूर्व में भी वर्णन कर चुके हैं इन बातों का।
दूसरी बात तेरा आगे मूल्य और मूल्य समीकरण, विपणन समीक्षण का द्वितीय महत्वपूर्ण घटक है मूल्य या मूल्य समीक्षण। जब किसी उत्पाद का मूल्य मुद्रा में अथवा किसी अन्य मौद्रिक विनिमय माध्यम में व्यक्त किया जाता है तो इसे कीमत कहा जाता है। अन्य शब्दों में कीमत उन सभी मूल्यों को जोड़ है जो उपभोक्ता किसी उत्पाद या सेवा को पाने या उपयोग करने के लाभों के बदले देते हैं। अर्थात जो पूर्व में मैंने विचार विमर्श किया है इसके लिए कि मूल्य निर्धारण के लिए कौन कौन सी ऐसी बातों का ध्यान दिया जाना चाहिए, वही बात इसमें यहाँ सम्मिलित की गई है। तीसरी बात इसमें स्थान की है, अर्थात मार्केट तलाश करने की है कि मार्केट एक उत्पाद तैयार होने के बाद में ग्राहकों तक कैसे पहुंचा जाएगा, इसके लिए मार्केट की तलाश कैसे की जाएगी। एक चार्ट के द्वारा भी इसको समझाने का प्रयास किया गया, मार्केट कैसे सर्च होगा। सबसे पहले जैसे निर्माता का दिया गया तो निर्माता सीधा उपभोक्ता तक भी माल पहुंचा सकता है, उसकी जो जैसी भी निर्माता मार्केट की तलाश करना चाहता है उपभोक्ता तक भी। और दूसरा तरीका इसमें यह बताया गया है कि निर्माता फुटकर व्यापारी के माध्यम से भी उपभोक्ता तक होता है। सीधा माल उत्पाद तैयार किया और सीधा फुटकर व्यापारी तक पहुँचा दिया गया और उपभोक्ता तक पहुँच गया। ये जैसे छोटा जो प्रोडक्शन होता है, ज़्यादा स्टॉक की आवश्यकता नहीं होती है, स्थानीय कोई ऐसा उत्पादन होता है जिसमें जो उत्पादनकर्ता अपने आप ही इसको स्टॉक रख लेता और सीधा जाकर के फुटकर व्यापारी तक पहुंचा देगा। ये जहां तीसरी स्थिति हमारी आती है निर्माता थोक व्यापारी फुटकर व्यापारी उपभोक्ता, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जहां बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है, भारी माल का उत्पादन होता है, वहां स्टॉक की भी आवश्यकता पड़ती है भंडारण की, और एजेंट माध्यम जैसे थोक व्यापारी फुटकर व्यापारी होते हैं इनकी भी आवश्यकता पड़ती रहती है क्योंकि निर्माता सीधा माल नहीं बेच सकता, भारी माल होता है, बड़ा माल होता है, उसे थोक व्यापारी की सर्च करनी पड़ती है। थोक व्यापारी को अपना माल बेच देता है, थोक व्यापारी सिर्फ भंडारण का काम करता है या फिर फुटकर व्यापारी को आगे माल बेचता है, तो फुटकर व्यापारी को थोक व्यापारी माल बेच देगा और फुटकर व्यापारी अंततः उपभोक्ता तक माल को भिजवा देगा। तो ये इसमें मार्केट तलाश के बारे में प्रयास बताए गए हैं। और अंत में जो चौथी स्थिति होती है संवर्धन या संवर्धनात्मक सम्मिश्रण, जो मार्केटिंग मिक्स में बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, बहुत महत्वपूर्ण एक घटक है, अर्थात विक्रय में वृद्धि करना। जब तक विक्रय में वृद्धि नहीं की जाएगी संस्था का टिके रहना मार्केट में असंभव हो जाएगा। इसलिए अच्छे प्रयास किए जाएँ कि जो उत्पाद तैयार किया जा रहा है उसमें विक्रय की वृद्धि होती रहे, वो उत्पादन ज़्यादा तैयार किया जाए और वो मार्केट में सेल होता रहे। तो विपणन मिश्रण के इस घटक को विपणन संचार मिश्रण भी कहते हैं। विलियम लेजर बताते हैं कि विपणन संचार चार प्रबंध के उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। नंबर पहली बात ही बताएगी कि निर्माताओं वितरकों एवं उपभोक्ताओं के बीच की दूरी को पाटना, संस्था के संवर्धनात्मक क्रियाओं को समन्वित करना, विपणन प्रणाली को ग्राहकों एवं उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के अनुकूल समायोजित करना एवं उत्पादों को ग्राहक जरूरतों के अनुकूल बनाना। विपणन सम्मिश्रण का संवर्धन एक महत्वपूर्ण घटक है। इसका आशय किसी भी विचार वस्तु या सेवा को आगे बढ़ाने के लिए किया जाने वाला सूचनात्मक एवं अनुनयकारी संदेश है। अन्य शब्दों में संवर्धन संगठन के विपणन सम्मिश्रणों का एक घटक या तत्व है जिसका उपयोग संस्था के उत्पादों एवं सेवाओं के संबंध में बाजार को सूचित करने के लिए किया जाता है। ये प्रमुख रूप से उत्पादन के जो घटक हैं विपणन सम्मिश्रण के, इनको विस्तार से बताया गया है। धन्यवाद।